अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद निमरा बिशारत। तो आज हम बना रहे हैं हॉट मिल्क केक, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। अंडे 2 अदद, चीनी 2/3 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, मैदा 1 कप, दूध चाहिए हमें 1/2 कप, ऑयल 1/4 कप, सॉल्ट 1 पिंच और बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 अंडे, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें वनीला एसेंस, इसको लाइट सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे चीनी 2/3 कप। अब इसे इतनी देर मिक्स करना है कि ये लाइट और फ्लफी हो जाए अंडे हमारे। तो देखिए हमारे अंडों का कलर बिल्कुल लाइट हो गया और ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल 1/4 कप और इसको 30 सेकंड्स के लिए फिर बीट करेंगे। तो देखें 30 सेकंड्स होंगे, हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा 1 कप। मैंने से ये पहले से इसे मैदे को छान के रखा हुआ है, आपने भी इसे छान लेना ज़रूर। इससे केक लाइट और एरी बनता है और फ्लफी होता है। इसको मिक्स करेंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाल के इसको गर्म कर लिया, क्योंकि ये हॉट मिल्क केक है इसलिए दूध को गर्म करना ज़रूरी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये कितना क्रीमी इसका बैटर बन गया है। अब हम इसमें जो है ना अपने पैन में डालेंगे। ये हमने लोफ पैन लिया है, इसको मैंने पहले से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रख लिया है। अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे अपने बैटर को। तो देखिए हमने बैटर कन्वर्ट कर लिया अपने पैन में। अब हम इसे अपने देगचे में रखते हैं। तो देखिए हमने अपने देगचे को 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसके अंदर रख लेंगे अपने बैटर को। और आंच को हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और 30 टू 40 मिनट्स पकाएंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट्स बाद। तो देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम अपने केक को चेक करते हैं कि वो कैसा लग रहा है। वाह, केक हमारा अच्छे से राइज हो गया। हम देखते हैं कि ये पक गया सही से। देखें टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, मतलब कि हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया है। तो चले अब हम इसे ठंडा करते हैं और फिर आपको निकालते हुए दिखाते हैं। तो देखें हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आराम से इसे निकाल लेंगे, इसका बटर पेपर उतारेंगे। अब देखें ये केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। देखें कितना सॉफ्ट है ये। अब हम इसे कट करके देखते हैं। तो देखिए हमने अपना केक कट कर लिया, अब हम इसे देखते हैं कि कितना ये सॉफ्ट है। देखें कितना सॉफ्ट है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।